क्रॉस लिमिटेड, ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है एंड अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होने वाली है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, क्रॉस लिमिटेड ये कंपनी 1991 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली ये कंपनी हैवी एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स के कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, ये कंपनी फार्म इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट बनाती है एंड ऐसे ही ये कंपनी और भी काफी सारे कंपोनेंट्स बनाती है जो कि डिफरेंट मशीनरीज में यूज होते हैं एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी क्रिटिकल माने जाते हैं। बिकॉज ये कंपनी ये एक्सल शाफ्ट बनाती है, कंपेनियन फ्लैंक्स बनाती है, एंटी रोल बार्स एंड स्टेबलाइजर बार बनाती है, ये कंपनी सस्पेंशन लिंकेज बनाती है, डिफरेंशियल स्पाइडर्स बनाती है, बेवल गियर्स बनाती है, प्लांट्स कैरियर बनाती है, इंटर एक्सेल किट्स बनाती है, रियर एंड स्पिंडल्स बनाती है, पोल व्हील्स बनाती है एंड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं एंड देन फार्म इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट ने काम करना बंद कर दिया तो वो मशीनरी जहां पर इस कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज हुआ है, जब तक आप उस कंपोनेंट के डिफेक्ट को दूर नहीं कर देते या फिर आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं कर देते। एंड जो इस कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं हैवी एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में। यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 89% रेवेन्यू आती है। फार्म इक्विपमेंट्स के जो इस कंपनी के कंपोनेंट्स है वहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 9% रेवेन्यू आती है एंड देन अप्रोक्सीमेटली 2% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर कंपोनेंट्स से। अब सी जो ये कंपनी है एंड इनफैक्ट जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही होती हैं। जो इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को दूसरे सेक्टर की कंपनियां एज एन इनपुट यूज करती हैं एंड इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी क्रिटिकल हैं एंड ज्यादातर केसेस में क्या होता है दैट जो इस कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं वो इन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कंपनियां उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती रहती हैं एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 50% वो टॉप 3 कस्टमर से आता है, अप्रोक्सीमेटली 66% वो टॉप 5 कस्टमर से आता है। सो जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, बट एक कंसर्न है, कंसर्न ये है दैट जहां पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो ज्यादातर केसेस में कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं एंड आज की डेट में उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में थोड़ी सी कम ही है। वहां पर हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट आप मान के चलो जिस इंडस्ट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं अगर वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है तो ये कंपनी कितना ग्रो करेगी एंड कब तक आगे ग्रो करेगी, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कंसर्न है। बिकॉज जब तक ये कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड पिकअप नहीं करती, फार्म इक्विपमेंट्स की डिमांड पिकअप नहीं करती, तब तक ये कंपनी लॉन्ग रन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। हालांकि अभी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीस का, अगले साल ये बढ़कर 250 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 350 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2022 में 86 करोड़ रुपीस की बोरोइंग थी, अगले साल ये 88 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की बोरोइंग ये 118 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीस की थी, अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू ये 490 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है, 500 करोड़ रुपीस को टच करने वाली थी एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 621 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो कंपनी की रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा ग्रोथ है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 31 करोड़ रुपए पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। अब सी इस कंपनी के बुक्स में डेट थोड़ा सा ज्यादा है एंड वो इस कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस कंपनी ने मार्च 2022 में 8 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट पे किया था, फाइनेंस कॉस्ट इनकर की थी, अगले साल ये कॉस्ट बढ़कर 12 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल फाइनेंस कॉस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपए की है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, हालांकि रिसेंट में थोड़ा सा कम हुआ है बट ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 17.5 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था, अगले साल ये 42 करोड़ रुपए का कैश हो गया था। अगले साल इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 42 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया था एंड मार्च 2024 में ये थोड़ा सा नीचे आ गया है 8 करोड़ रुपीस के आसपास, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये मार्च 2024 में सडनली ड्रॉप हो गया है,
कहीं ना कहीं ये ऐसा भी इंडिकेट करता है दैट इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है ताकि इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले। हम इस कंपनी के मार्जिन भी देख लेते हैं। ये कंपनी मार्च 2022 में 46% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट कर रही थी। अगले साल ये कम हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 41% के आसपास आ गए हैं। एंड मार्च 2024 में फिर से हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है एंड इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन ये 42.62% के आसपास पहुंच गए हैं। EBITDA मार्जिन्स कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। मार्च 2022 में अप्रोक्सीमेटली 10% के थे, 23 में ये अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास पहुंच गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के EBITDA मार्जिन्स ये 13% को क्रॉस कर गए हैं। पैट मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी के पैट मार्जिन्स थे सिर्फ 4%, अगले साल ये बढ़कर 6% को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2022 में इस कंपनी के पैट मार्जिन्स ये 7% को क्रॉस कर गए हैं। एंड ऐसे ही ये कंपनी मोर देन 30% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मोर देन 28% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। तो सी, अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल बेसिस पर देखें तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, बोरोइंग इंक्रीज हो रही है, सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है एंड जो इस कंपनी की ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन हैं, फिर चाहे वो ग्रॉस मार्जिन हो, EBITDA मार्जिन हो एंड पैट मार्जिन हो, ये सबके सब बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 500 करोड़ रुपीज का, 50% फ्रेश इशू कंपोनेंट है, 50% ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट है एंड 228 रुपए से 240 रुपए का इस कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड है। 62 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,880 रुपीज की। 9 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 सितंबर को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसे ये कंपनी डेट की रिपेमेंट के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो माइंड इट, इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होने वाली है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो कुल मिला के ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी, बट जो इस कंपनी के एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं वहां पर हमें थोड़ा सा ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। वहां से ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ये कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पर कितना ग्रो कर लेगी? अगर आपके क्लाइंट्स ग्रो नहीं करेंगे तो आप कितना ग्रो कर लोगे? एंड जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है काफी बेटर कंपनियां प्रेजेंट हैं, वेल मैनेज कंपनियां प्रेजेंट हैं। ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करते हैं कंपनीज लाइक रामाकृष्णा फोर्जिंग, जमुना ऑटो, ऑटोमोटिव एक्सेल, GNA एक्सेल एंड तेलब्रोस ऑटोमोटिव जैसी कंपनीज के साथ। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन कंपनीज को बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट कवर करते हैं, तो हम मान के चलेंगे ये कंपनियां काफी अच्छी कंपनियां हैं। अब इस कंपनी के आईपीओ को किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट हम मान के चलेंगे एज ऑन डेट जो हमें लग रहा है इस कंपनी के आईपीओ को उतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रीजन है बजाज फाइनेंस का आईपीओ, बट देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी का जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर दे सकता है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। हाँ, अगर लिस्टिंग वाले दिन मुझे ये शेयर अपने आईपीओ प्राइस के आसपास मिल गया या फिर उससे कहीं नीचे मिल गया लिस्टिंग वाले दिन या फिर कुछ टाइम आगे, देन आई कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। आईपीओ में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना एंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत बेस करें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।